भारत को मिली अपनी पहली कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मिली पैनल की मंजूरी। अहमदाबाद में मिले यूके स्ट्रेन के 4 नए मामले। चारों लोग ब्रिटेन से लौटे थे और अभी SVP अस्पताल में है भर्ती। 8 जनवरी से ब्रिटेन से शुरू होगी फ्लाइट्स। यात्रियों को बतानी होगी अपनी ट्रेवल हिस्ट्री और भरने होंगे कुछ फॉर्म। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। 8 जनवरी से लौट सकती है शीतलहर। 5 जनवरी तक बारिश की संभावना। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्र मंत्री सरदार बूटा सिंह का 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड रहमत लखवी हुए पाकिस्तान में गिरफ्तार। किसान आंदोलन के 38वें दिन मिले कई किसानों के शव। आत्महत्या कर सीधा PM मोदी को ठहराया जिम्मेदार। BCCI के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के सीने में तकलीफ के बाद कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में की थी भर्ती। उनकी एंजियोप्लास्टिक रे कामयाब। 2-3 दिनों में होगा उनका डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की ओर से हुई थी फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।